So, Grandma, where I hit the floor and fit the floor. As a kid, English सिर्फ ऐसे अच्छी लगती है सुनने में ना अच्छी लगती है हिंदी में बोल. मैं ये पूछ रहा था Grandma कहाँ से खुदाई चालू करनी है. अम्मा दरोगा जी ने कही है थी कि उन्हें गड्ढा खोदो है तो हमें ना सिर्फ वो गड्ढा ढूंढने हैं. कहे? हाँ हाँ हाँ. जाओ गड्ढा ढूंढो तुम. ढूंढो. बेटे जगह से ना हिलियो तेरे सर के पीछे आंखें जड़ी हैं का घूम घूम के देखना जाको काय शामिल कर लो जाने से दिमाग की दही कर दी. मैंने तुम धीरे बोलो ना पूरा मोहल्ला जाग जाए फिर आए तो का सवाल को जवाब दिए हम. अच्छा तूने का सोच रखो है जवाब देने में तेरी मास्टरी है कि बढ़िया है. अम्मा अगर खजाना की बात ना होती ना तो हम जीवन में तुम्हारे साथ कबू ना आते थे. तो हमें भी शौक ना है इतनी रात में ठंड में इस कुकड़ी के साथ टहलने को. हम भी जाके लाने आए आते. मिल गया. मिल गया. कितने मिला? खजाना नहीं मिला. मास बेटा तो मिल गया. मिल गया. क्या कर रहा हो तो? माते मैं ये बोल रहा हूँ वो जगह मिल गई जहाँ पे पहले खुदाई हुई है. देखो जमीन ऐसे ऊपर आई हुई है ना उबली उबली सी. इसका मतलब खुदाई हुई है यहाँ पे. हाँ अम्मा तो कमलेश तुम बिल्कुल सही जगह पे आए हो. मन तो करो तुम्हें कुछ नहीं हम मतलब अब खुदाई शुरू कर दो. खोद खोद. तू तो क्या है कर रही है. जा माँ के संग खोद जाके. अरे मैं ये तो बताओ कितनी देर तक खुदाई करनी है. ना सपीटे जब तक गड्ढे में खुद ना गिर जाओ. काम शुरू नहीं करता सवाल शुरू हो जाते हैं. काम चोर चल कर छोड़ो ना. वाह वाह क्या बात है. क्या गजब के करारे समोसे बने हप्पू. हप्पू सर. मनोहर. यस सर. एक बात तो है सोचो जिंदगी में फिरी को मलीदा पेलने की बात ही अलग है. अब ये फिरी के समोसा है चाहे जितने पेलो. सही बात कह रहे सर. वैसे पेलने से याद आया आपने जो कमिश्नर साहब के पैसे पेले हैं वही बात मतलब लिए हैं वो वापस कैसे लौटाओगे. तू चिंता में काहे मरू जा रहा हूँ. जब हो जाएंगे हमारे पास इकट्ठे पैसा तो लौटा देंगे. सोचो ज्यादा ज्ञान ना पेल समोसा पेल. यस सर. जय हिंद सर. जैन साहब. जैन साहब. जय हिंद. ये क्या बदतमीजी है एक सीनियर के सामने तुम समोसे खा रहे हो अप्पू सिंह. सॉरी साहब असल में जल्दबाजी में जेहंद तो करी समोसा पूछनो भूल गए आपको. आप खाओगे गरम है चटनी भी है. सॉरी हमारा मतलब है कि आप अचानक सुबह सुबह कैसे पधारी मतलब नाश्ता के पहले ही आ गए का घर से. अप्पू सिंह शायद तुम भूल रहे हो मैंने तुम्हें पैसे दिए रखने के लिए. वो ले आओ मुझे कहीं जाना है. लेकिन साहब आज नहीं आए. हाँ आज गुरुवार है तो गुरुवार को मतलब समझ रहे. गुरुवार को अगर पैसों को लेन देन करोगे ना तो राहु केतु को दोष बहुत खतरनाक है वो लग जाते है. लेकिन तुमने तो मुझे सोम बुध और शुक्रवार शुक्रवार थैंक यू शुक्रवार कहा था. आपको नहीं नहीं हमने कही थी लेकिन कहा है कि साहब पैसा के मामले में मतलब कौन और काम हो तो ठीक है दिन ना देखो आदमी लेकिन ऐसे में मुहूर्त देखना बहुत जरूरी है बड़ी रकम है ना. असल में कहा है कि पैसा ऐसे भी कौनों भी दिन व्यर्थ नहीं करी जाती. ऐसा थोड़ी कि हाथ को मैल है ना पैसा. ऐसे करोगे बेतो के दिन तो कहा है कि रफू चक्कर हो जाएगा पैसा हाथ से उड़ जाएगा. गुरुवार है आज. अरे साफ साफ कहो कहना क्या चाहते हो. फिर वही बात फिर हमें आपको उदाहरण देने पड़ते हैं. अब हमारे दोस्त को अब इनको किस्सा है उजारू ना मानू ऐसे उनको घनिष्ठ दोस्त ने पैसा दे संभालने के लाने जैसे कि आपने हमें दे वो भी हमारी तरह ईमानदार है तू बने रख ले. लेकिन जब जॉन ने दे दी पैसा वो आदमी दिन को ध्यान न रहू के घर पहुँच गए मुँह उठा के जैसे आप आ गए मुँह. नहीं सॉरी मतलब आपको तो हक बनतो है आप बहुत सही आए लेकिन आपने भी दिन ना देखो ऐसे उन्हें ना देखो गुरुवार है तू बात देना बाने पैसा मांगे उन्हें गद्दी में से धर दे
और जैसे ही धरे बाहर निकलो बुलडोजर गुजर गो, बाकी ऊपर से आरो बिल्कुल रोलर की तरफ पिस गो। बाकी आपकी मर्जी, आप अभी कहो तो 2 मिनट में बुलडोजर बुला दें। नहीं मतलब 2 मिनट में आपको पैसा आपकी गद्दी में धर दें, भले चाहे गुरुवार है आज। नहीं 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 हप्पू रहने दो, मैं बाद में ले लूँगा। समोसा खा लूँगा गरम है, गुरुवार को समोसा खा सकते हैं। आप ही की बज रही, कौन को फोन? नहीं नहीं डार्लिंग नहीं, पैसे नहीं मिले। अरे मैं झूठ क्यों बोलूँगा, यकीन मानो नहीं मिले तो नहीं मिले भाई। अभी क्या बोल रही है भाई, तुम्हारे होते हुए मैं किसी और पे खर्च कैसे करूँगा। अरे ज़्यादा बहस मत करो, आज गुरुवार है, नहीं मिले पैसे। अरे हटो यार तुम, गुरुवार है आज। मनोहर गुरुवार है। वही कह रहा हूँ सर, आज गुरुवार है। काम ना से पीटी ने खाना ना बना हुआ, ये बड़ी कामचोर है ये। ठंड है। हाँ हाँ वो तो है, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी आंखें कमजोर पड़ गई हैंगी। हमें खाना ही ना नजर आ रहा है, कितने धर रखो है। अरे अम्मा जब खाना बनो ही नहीं है तो कहाँ से दिखे है तुम्हें, तुम्हारी आंखें भली चंगी हैं। खाना ना बनो है काय, हमारे व्रत थोड़ी है गो। ना ना अम्मा, व्रत तुम्हारो नहीं है, व्रत हमारो होएगा वे। रात भर फावड़ा चलाओ, हमारे हाथन में छाले हो गए हैं, हमसे खाना नहीं बन पाए। अरे कितनी नाजुक है, जरा सी फावड़ा चलाए और हाथ में छाले पड़ गए। ऐसो है अम्मा, आज रात को तुम चलाए के देखो, फिर हमको बताइयो हाँ कितनी मेहनत लगा थे बामे। हम खाना नहीं बना पाए अम्मा, बताए रहे। तो फिर कौन बनाएगो? तुम। हम बनाएंगे खाना। अरे अम्मा एक आध दिन बनाए दिए तो क्या हो जाइए, अब जे मत कहियो कि तुम्हारी कमर क्या होएगा अम्मा, तुम्हारे कौन से पॉइंट में दर्द है? अरे कमर में दर्द है गो, पॉइंट में ना है गो। अरे कल रात हम बाहर खड़े आते ना तो ठंड से अकड़ गई। अम्मा तुम खड़ी ना आती, तुम कुर्सी पर बैठी आती। हाउ हाउ पर बैठे बैठे भी तो ठंड लगती हैगी ना, अकड़ गई। आ आ अब क्या होएगा? अरे हमने ना जे हाथ को ना रात को सर के नीचे ऐसो धरो रखो, सवेरे उठे तो दर्द हो रहा हुआ है, हमसे ना बन पाएगो खाना। कोई बात नहीं अम्मा, तुम आराम करो, हम जो सोच रहे हैं कि बच्चन को ना आज पिज्जा मंगवाए खवाए दिए हाँ, और हम कर लिए व्रत, अब तुम उपवास कर लियो। हम उपवास करेंगे जे उम्र में? अरे अम्मा जई तो उम्र होता है उपवास करने की, कहा है अगर अम्मा तुम कम खाना खाए हो या तुम उपवास कर लियो ना, बस तुम्हारा हाजमा सही हो जाए। हमारा हाजमा बड़ो सही है गो। तो ठीक है अम्मा, हम ऐसा कर रहे हैं, आज अपने हाथ को हम आराम दिए, ठीक है अम्मा, आज हम खाना बनाए ले रहे हैं अभी, और रात को तुम फावड़ा चलाइयो, ठीक है? बस कहे हमसे नहीं हो पे। ऐसा कर, हम आओ जे हाथ भी बड़ो एक्टिव सा है गो, हम जे हाथ से भी कर सकते हैं, जैसे ऐसे ऐसे हम खाना बना लेंगे, तू जाके आराम कर, क्योंकि फावड़ो चलानो है, खजानो आज ही निकालनो है, समझी? ना छोड़ दे छोड़ दे। हम क्या कह रहे हैं अम्मा, तुम जब दूध खौलाइयो ना तो बामे नेक थोड़ी सी ताकत वाली चीजें डाल दियो, हाँ हमें ना प्रोटीन विटामिन की जरूरत है ना। हाँ वाओ, फिकर ना कर, हम अपना स्पेशल हल्दी वारो दूध बनाएंगे, जा आराम कर। अम्मा मामे कुकुमिन होता ना। नाज बेटी, एक नंबर की नौटंकी बाज। कट कट कट। हाय कट। हाय गमलेस, व्हाई यू कमिंग सो लेट? My sleeping not completing, work full night. Oh my God, Kamlesh, meaning you getting job? Yes, me already telling you, me finding very easy wali job. Congratulations, Kamlesh. Telling me na what you getting?
मनी रिसर्च मीनिंग मनी के इर्द गिर्द ओह माय गॉड कमलेश मीनिंग यू डूइंग नाइट ड्यूटिंग इन बैक वाओ कमलेश नाउ द मनी रिवॉल्विंग अराउंड यू और यस यस कैट मनी एवरी कॉर्नर कॉर्नर एंड मी फाइंडिंग अंडरग्राउंड द मनी कमलेश यू टॉकिंग अंडरग्राउंड ओके मनी मामला ओह यस यस एनीवे कमलेश व्हाट आर यू हाइडिंग इन योर हैंड Oh, actually, this is for you. Please. For me? Yes. Kamlesh, what is this? Open it. Wait. Nice packing. Hold my phone. Kamlesh, you're bringing dictionary for me? Yes, yes. This is dictionary from my working hard first salary from my body. Yeah, me know very well your Hindi. You facing Hindi problem, so that's why this dictionary for Hindi. Exactly, Kamlesh. Me facing so much problem for Hindi, meaning, you know, my Hindi going upside down in my head. But my English is very much fantastic, so everybody understanding. Unless, you know what? You're my sweetest friend. Oh, cat! Actually, cat, me know very well what you needing. So, tomorrow going for movie. Tomorrow? No, Kamlesh, actually, you know, if father getting to know that me is going movie with you, then he making your brinjal beating. Hanji? अरे पापा को पता चल गया ना तो तुम्हारा बैंगन का भरता बना देंगे प्लान कैंसिल कमलेश लेट्स गोइंग फास्ट बिकॉज़ यू नो मी कंप्लीटिंग कॉलेज एंड मी वांटिंग टू गोइंग बैक होम अर्ली फादर इज ब्रिंगिंग न्यू गिफ्ट फॉर मी कम 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 कमिंग कमलेश और कब पढ़ रहे हो सतयुगी संतानें हैं ये सारे अरे दादा अरे हमारे लौंडा लपाड़ी कहाँ हैं ऋतिक चमची मलाइका केट सारे सब जने आ जाओ फटाफट आ जाओ आ जाओ जा, जा, लाइन लगा लो सबको गिफ्ट ले आई देखो बापू तू बस अब फटाफट गिफ्ट बांट ले फिर मैं थारे को नजर का टीका लगा देती हूँ आज तो जाके सोरे ही बदले भाई हैं जो बिटिया हमें शुरू से पसंद है लियो दादा अरे बहुत है भर भर के झूलन में लियो तुम हमारी पहली संतान तुम पकड़ो अरे तुम्हारे लाने भी है कहाँ गए अरे बड़ो वालू कहंगो मलाइका को डब्बा बेटा जो निकालो हाँ पकड़ो अरे भारी भारी पकड़ 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 अब सब बता रहे लियो पकड़ो लियो चंपू मेरे लिए तुम आओ जो है तुम बाद में उठा लेगी हमारी खोपड़ी में मारोगे और पढ़ा सुर जो नौ पे ज्ञान है लेंस लगा के देखियो बहुत ज्ञान की बात है जान तुम्हारे आने जो भी है एक और अब बताओ कैसू लग रहो कैसू लग रहो हरियार इतनो सन्नाटो का है बाप तुम आओ गिफ्ट ले आओगे अपने पैसन को ले आओगे तनक होल होल आओ पापा हमें लग ही रहा कि आप हमारे पापा हो मतलब मेरा मतलब है कि आप पहले कितने कंजूस थे मक्खी चूस थे लेकिन अब तो आपने सारे पापाओं को फेल कर दिया लेकिन अब हमारे पापा कानपुर के बेस्ट पापा है अरे पूरी मोहल्ली में हमारे पापा जैसे कोई पापा ना है बिल्कुल सही चापलूसों से सावधान ये दीमक की तरह हमारे जड़े खा जाते हैं फादर मीज यू नो फ्लाइंग अप इन द स्काई मीनिंग You're changing, father. Me thanking to God for giving me new father. कसम से कह रहे हमारे हीरा ये मुस्कान देखे के लाने हम तरस रहे थे रात दिन अरे बापू तू तो थक गया होगा सब छोड़ मैं थारे पैर दबा देती हूँ अरे का कर रही हो दादा बाप को नरक में पहुंचाएगी क्या बिटियन से पैर ना चलाती हम ऐसे ही में खुश है तो पापा मैं आपके लाने एक नौ गानों गा दूं पता मैंने खास आपके लाने लिखे अच्छे आज गा दी सुना दी फिर मैंने भी आज जाने साथ में गाएंगे हैं सुनाओ सुनाओ सारे पापा से अच्छा हप्पू पापा हमारा सारे पापा से अच्छा हम गुटलियां हैं इसकी ये पका आम हमारा सारे पापा से अच्छा हापू पापा हमारा सारे पापा से अच्छा वाह भैया वाह यार मतलब
तुम्हारे तो कमाल कर दो, धोती को फाड़ के रुमाल कर दो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ गया। वैसे इतना भी कुछ खास नहीं था, यही गाना रणबीर भैया ने मम्मी को सुनाया था, बस पापा हटा के मम्मी लगाया था। हैं? वो चमचे की बच्ची तो अरे बैठ उधर क्यों ले अभी यार। अरे बापू तू तो हमारी बात सुन, सच बताओ तो मारे को तो ऐसा लगता था कि थारे साथ ना जन्म जन्म निकालना आफत का काम से, लेकिन ये वैसा लग रहा है कि थारे जैसा बापू हर जन्म में हमको मिले और सबको मिले। क्या बात है, दिला खुश हो, मरे या जा रही थी ऐसी मतलब दिन आएंगे क्या कबू, तुम सारे हरो हमें बहुत शुरू से पसंद हो। नहीं डोलावेंगे फादर, बहुत बढ़िया लग रहा हूँ। एवरीबॉडी सेल्फी, सेल्फी। ना धीरे उड़ाओ, हमारे मुंह पे आ रही है धूल। कितना खोदना है अभी, और मेरे तो हाथ सुनो के मेरे पास की नहीं है अब। ना स्पीड हाथ तो सुनो है गए, खोदना रोको ना, हम तेरे गाल सुन कर देंगे। उठे अभी चल फाड़ो चला। अम्मा अब हमारी हिम्मत जवाब दे गई, हमसे नहीं हुए पे अब जे जाने कहाँ गड़ो है जे। देख हम तेरो हौसला बढ़ाने के लाने एक एडिया देते हैं, देख तू जे सोच 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 तू जे सोच कि हमने अवधेश के गहने चुरा के इते गाड़ रखे। अब आएगो जोश, खोद। मिला 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 अंडा। सोने को अंडा है? ओ माय माते, ये मुर्गी का अंडा है। पर दीदी मुर्गी इतने अंदर घुस के अंडा कैसे दे सकती है? पुटर मुर्गी सब कुछ ना ना अम्मा, जे मुर्गी को ना है थे, मैं लग रहा कछु और को है जे डायनासोर का है। दिमाग सिर रही हो का, इतो विशाल जानवर है अम्मा डायनासोर, अब आपको इतो छोटा सा अंडा है। एक मिनट, सातवें महीने का है ना स्पीटो, तुम्हारा डिनोसोर और जे अंडोगा घुइया के खेत में है, चलो खुदाई करो। थोड़े खोदो ना तुम, खाएंगे बाद, मैं तो ऑमलेट बनाऊंगा, बहुत मेहनत से निकला भैया। मिला 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 काम का। ग्रैंड मा ये तो सांप जैसा लग रहा है। लास मीटे में एक सांप भागो। अभी घुस जाता अंदर, उठ के दे दे तो खोपड़ तो सही हो जाए, समझ में आई? खुदाई करो खुदाई करो। ओ माय मम्मी, ओ कर दो मुंह काल, ऊपर से ठंडर मुंह काला। ओ अब की बार खोद खोद के पानी निकलेगा या खजाना निकलेगा? खजाना निकलेगा, खोद। जय माते। ओ माय मम्मी, ओ माय मिल गया मिल गया। कहाँ मिला? हाय अम्मा, अम्मा जी तो सोने के सर्फी है। हाँ हाँ ये देखो, ओ सोना मिल गया सोना। अम्मा जा सच में सोने की सर्पी है जी। अम्मा का मतलब खजाना ही तय है। खोजो खोजो, रुको मत चलो शुरू शुरू। जाड़े में भले मां प्यारो लगे जो दरोगा हप्पू सिंह की अलमारी में सोने की सर्पी, जो का चक्कर है ससुर। जले कील ठोक देते। अरे यार कील छोड़ो रज्जू, तुम जो बताओ। दरोगा हप्पू सिंह की अलमारी में सोने की सर्पी, जो का चक्कर है? चक्कर का मतलब तुम तो ऐसे कह रहे जैसे तुम्हें पता ही ना है कौन सा खजानो है कहां से आओ। अरे दादा हमें सच में ना पता, तुम तो ऐसे एक्सप्रेशन दे रही जैसे हमारे पास आरो गड़ो भाव कोनो खजानो है मुगलों को। अरे जब मुगलों का ना है अपने खजानों को है, तुमने ना कही थी कि अपने घर के पीछे बगिया में खजानो गड़ो भाव है, तो इसे निकलो जो। तो तुम्हारा कहने को जो मतलब है कि अपनी जो पीछे वाली बगिया है बामे से मिली है सर्पी? हाओ हमने खुदाई करी, फिर हम सोचो कि जो खजाना निकाल के लॉकर में डाल दे, वरना तुम सब लुटाए दियो।
रज्जू जागू मतलब तो हम सारू करोड़पति बन जाएंगे, पैसे पैसे नाचेगू घर में। तुमने बैकल हो गए का? काई? नहीं जे असर भी देख के आंख के साथ तुम्हारा दिमाग को चौंधिया दो है। तुम्हें तो कही थी भूल गए कि खजाना गड़ो है। अरे हमें कौन खजानू ना मिलो दादा। अच्छा तो इतने पैसा कहां से तुम लुटा रहे थे? अरे वो तो हमने झूठ बोली थी, असली बात जाती कि कमिश्नर ने हमें 5 लाख रुपया की पेपर में लपेट के गड्डी दी। बोलो संभाल के रख लो दरोगा जी। हमने कही हाँ साहब बिल्कुल सुरक्षित रहेगी और हमने झोल कर दो। वो पैसा हमने अपने घर में परिवार में तुम लोगों में खर्च कर दो, हमने सोची बाद में लौटा देंगे। तुम सिर्री हो गए हो का? तुमने सारे पैसा कमिश्नर साहब के खर्च कर दे। अरे यार तो कौन सा गुनाह कर दो, अपनी बीवी बच्चा नहीं में तो लगाए, और अब तो वैसे ही हमें गड़ो खजानों में लगाओ, एक ठहिए सारी असर भी ऐसे बेचेंगे और गड्डी मुंह पे मारेंगे कमिश्नर। ऐसो है वो तेल को कुआं ना है कि हमने मारी एक हथौड़ा फव्वारा ऐसे फूट के झरन लगो। बहुत ही मेहनत करनी पड़े, बहुत ही खोदने पड़े तब जाके निकलिए धन। तो तुम चिंता काहे कर रही, हम कहीं मेहनत से डरते हैं को? ससुर हप्पू सिंह अगर असरपियां निकल रही हुए तो मेहनत से तो बिल्कुल ना डरेगो। तुम चिंता ना करो, तुम तैयार रहियो, आज रात खेल हो जाएगो। सुनो आओ। और अगर असरफी मिल गई तो पलटियो ना बात से। कैसे पलटेंगे, तुम्हें और उनकी लाना तो खोद रहे। हम तो चाहते हैं यार, हम तुम्हें रानी बना के रखे हैं, सोने के कंगन रोज पहनो ऐसे और रोटी बेलो।